मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमरीकी खातून ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ली है। पाकिस्तान नौजवान जुहेब बट का कहना है कि 4 साल पहले फेसबुक पर दोस्ती और जो बाद में प्यार में बदल गई है। जुहेब ने बताया कि 2 साल कबल इनकी मंगनी हुई थी, जिसके बाद अमरीकी खातून दोबारा फातिमा दोबारा अमरीका रवाना हो गई और जाते हुए दोबारा वापसी पर शादी का फैसला किया। अमरीकी खातून का नाम मर्चरी डोलेनी था, जबकि इस्लाम कबूल करने के बाद इनका नाम फातिमा रख दिया गया। फातिमा की उम्र इस वक्त 51 ईयर्स है, जबकि जुहेब की उम्र 25 साल है। अमरीकी खातून का कहना है कि इन्हें पाकिस्तानी अच्छे लगते हैं और इन्होंने ये शादी भी अपनी मर्जी से की है। इन्होंने ये भी बताया कि अंग्रेज़ी बोलने की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो अच्छी बात है यार, एक लड़की एक अमल से इस्लाम में दाखिल होगी, वो उसको जन्नत में जा सकेगी, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब इसमें नेगेटिविटी पाकिस्तानी ये ढूंढ रहे हैं, काफ़ी मैंने कमेंट्स भी पढ़े कि इस लड़के ने अपने से डबल एज की बंदी से शादी इसलिए की है कि यार इसको अमेरिका ले जाएगी, इसको अच्छी नेशनैलिटी वगैरह, ऐसा जो भी चक्कर होते हैं। तो ये ऐसे काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं यार, उसका जो भी माइंड था, मतलब लालची बोल रहे हैं, जो भी उसका माइंड था, सिर्फ हमें पॉजिटिव माइंड देखना चाहिए कि उसने एक लड़की को मुसलमान कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हम अपनी उम्र में किसी अपना गैर मुस्लिम को मुस्लिम कर दें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, हमारी बख्शिश का ज़रिया बन सकते हैं। उसने ये जिस रीज़न से भी किया लेकिन कर दिया है, तो हमें इसमें नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी चाहिए। इनके लिए दुआ करनी चाहिए कि इनकी जो अगली ज़िंदगी वो बहुत अच्छी गुजरे, वो अमेरिका में रहें या पाकिस्तान में रहें, इनकी अपनी बिलिंग है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें अपनी राय का इजहार कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।